हे बड़ी, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? कैसा लगा मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी और बहुत टाइप के सीरीज़? आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे सारी सीरीज़ को। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने नेम रिएक्शन की सीरीज़ शुरू कर रखी है, और इस सीरीज़ के दौरान मैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, और आज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट 2 है। माई डियर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 ज़रूर देखें इस पार्ट को देखने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसका नाम है अनअकैडमी। ठीक है, लेट्स क्रैक जेई विद अस। आओ मिल के क्रैक करते हैं हमारा आप जेई। ठीक है, अपने बारे में कुछ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। ठीक है, मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच और आपका दोस्त, ठीक है, धीरेन। मेरे पास मोर देन 6 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। और दोस्त, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़ को, जिसका नाम है, आज जो सीरीज़ आने वाली है, जो हमने पढ़ना है, वो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट 2। एक बार क्विक रिकॉल करते हैं कि मैंने आपको पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था, क्या बताया था। ठीक है, फटाफट बताते चले जाते हैं। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था फ्रिडल क्राफ्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया था कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारी अल्काइलेशन है दोस्त, एक हमारी एसाइलेशन है दोस्त। ठीक है, अभी तक मैंने अल्काइलेशन पढ़ाया है और उसे भी अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आज उसे एंड अप करके एसाइलेशन की तरफ मूव करूँ। ठीक है, अल्काइलेशन में मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। ठीक है, मैं फटाफट से ज़रूरत के हिसाब से रिकॉल करता हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, मैंने बहुत सारे प्रोसेस लिए थे। ठीक है, सभी पे मैंने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मैंने आपके साथ परफॉर्म करवाई थी। ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने अब तो मुझे भी नहीं याद है मैंने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करवा दी थी। ठीक है, बट सारी अपन लोगों ने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कर रखी थी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन किया था हमने। ठीक है, आप देख सकते हो। एक बार प्लीज़ पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देखना, जो मेरे बच्चा डायरेक्ट इसको देख रहा है। मैं फटाफट इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी सब डिस्कस्ड हैं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के सारे ईल्ड डिस्कस्ड हैं, सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा लेवल और नया कुछ सीखेंगे। आज हम लोग रिंग की क्लोजिंग सीखेंगे, इसके अलावा अपन लोग इपॉक्साइड्स की कहानी सीखेंगे। सारी कहानी आज अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिकली मैंने आपको बता दिया था, तो कंटिन्यू करते हैं दोस्त अपनी कहानी को आगे। ठीक है, आइए, दैट इज रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ इपॉक्साइड्स। यहाँ लिख देता हूँ, इपॉक्साइड्स फॉलोड बाय फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट अपने आप में बहुत बड़ी रिएक्शन है। दोस्त, इपॉक्साइड के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि इसको इपॉक्साइड बुलाते हैं। यू कैन से दिस ऑल्सो नोन एज साइक्लिक ईथर, ट्राई साइक्लिक ईथर बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम इपॉक्साइड्स होता है। चूंकि आपको पता है कि यार, जो हमारी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, उसमें आप एनहाइड्रस AlCl3 डालते हो। मैंने आपको बताया है कि एनहाइड्रस ही क्यों डाला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार, इस बार मैं कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टाइप रिएक्शन उठा रहा हूँ, कि एक मैंने इपॉक्साइड ले लिया है और मैं एनहाइड्रस AlCl3 कराता हूँ। आपको अच्छी तरह पता है दोस्त कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ दोस्त, कुछ ऐसे लिख दूँ, कि मेरे सामने AlCl3 है, ये मेरा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या कहूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बहुत बार मैंने इसके चर्चा की है, बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस इपॉक्साइड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इंटरैप करा रहा हूँ। जब इंटरैप कराऊँगा दोस्तों, कुछ समथिंग लाइक पिक्चर ऐसे बन जाएगी। कह सकते हो कि चूंकि इसने एक्सेप्ट किया है इसलिए नेगेटिव चार्ज, और इसने दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। बस यहीं से रिएक्शन का स्टार्टअप होना है, यहीं से रिएक्शन शुरू होनी है। बोलो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, है ना?
तो आओ यहीं से शुरू करते हैं रिएक्शन को। अगर मेरे सामने ये दे रखा हो और बेंजीन दे रखा हो तो क्या करने वाले हैं हम लोग, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बेंजीन लेनी है, कोई इपॉक्साइड लेना है, ठीक है। जनरली ट्राईसाइक्लिक का लेते हैं, रीजन बिहाइंड वहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा होता है ट्राईसाइक्लिक में, तो वो ईजिली टूट जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं टेट्रासाइक्लिक का नहीं ले सकता या मैं पेंटासाइक्लिक का नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है। बट आप जनरली चूंकि ट्राईसाइक्लिक को प्रेफर करते हो, रीज़न भी आएंगे कि इसके अंदर स्ट्रेन होता है। यहाँ लिख सकते हो दोस्त कि यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन आपको ऑब्जर्व होता है और इस स्ट्रेन की वजह से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ऐसा है कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस आप इसके साथ कराते हो, ओके। तो अपन को क्या करना है कि ये बेंजीन लेनी है और इसमें ये अपना स्ट्रेन टाइप यूज़ करना है, वही AlCl3 के साथ एनहाइड्रस। तो सबसे पहले दोस्त, अभी मैंने आपको दिखाया कि जब मैं इसका इंट्रैक्शन कराऊंगा इस AlCl3 के एल्युमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो हम कहानी को लेके कुछ यहाँ पहुँचेंगे। चूँकि ये डोनेट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ती है दोस्त। जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो ट्राईसाइक्लिक होती है उसमें स्ट्रेन तगड़ा होता है, इसलिए ये तुरंत तुरंत खुलने की कोशिश करती है। और ये जैसे ही खुलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, चोर के घर में चोरी होना, है ना। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आना मतलब चोर के घर में चोरी होना। जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन चुराता था, आज उसी के कोई इलेक्ट्रॉन ले गया, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव आया और दोस्त कुछ ये कहानी ऐसी खुली। फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव, यह आपका AlCl3 नेगेटिव फॉर्म में। अब आपको फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन मिल चुका है दोस्त। अब क्या है, अब तो बस अटैक मारना है ना अपनी बेंजीन पे। ये लिया बेंजीन खड़क से, इस पर अटैक मारने की सोचनी है, वही जो हम पीछे रेजोनेंस करके आए हैं, बहुत बार मैंने दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार रेजोनेंस पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट वन में इसको ज़रूर देखा होगा आपने। और कुछ यहाँ पहुँचेंगे क्या दोस्त, नंबरिंग कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा, ये एक, ये दो और ये तीन वाला ऑक्सीजन, तो ये एक वाला कार्बन, ये दो वाला और ये तीन वाला ऑक्सीजन। यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव है, चूँकि AlCl3 नेगेटिव है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज फिर अच्छी बात नहीं है, इसलिए फटाफट आप इसको प्रोटोनेट करने की सोचते हो। और प्रोटोनेट करने के लिए आप इसमें H+ डाल देते हो, ये आपको तुरंत तुरंत बाहर निकलता है और कुछ क्या बन जाता होगा, आपका ये बन जाता होगा, दैट इज CH3CH2OH। ओके, मेरी बात आप समझ पाए, आपको कहानी समझ में आई कि हम कैसा इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, कैसे यील्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में टाइप ऑफ रिडल है, ठीक है। हाँ, इसके बाद वो फर्दर कुछ भी कर सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो आपके साथ कुछ भी टाइप के गेम खेल सकता है। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। कुछ भी टाइप का क्या मतलब सर, क्या बोलना चाहते हो, आओ तो बताते हैं बेटा सर क्या बोलना चाहते हैं आपके, सर कुछ ये बोलना चाहते हैं यार, ये ले लो, तो इसको तुम ना कॉम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, बताओ क्या होगा, बताओ, हीट दे देना, टेम्परेचर दे देना, क्या मैं यहाँ पहुँचूँगा क्या। ये इसको स्टायरीन बुलाते हैं, स्टायरीन, STYREN, नो डाउट। अब कुछ नहीं करना, और भी आगे कर सकता हूँ क्या, हाँ परेशान करना है तो यार केमिस्ट्री है, कुछ भी बच्चे को परेशान कर सकते हो, देख के वो चाहते ही बेचारा ऐसे ही है। और इसमें आप सिर्फ फिर से परोक्सी एसिड डाल सकते हो, ट्राई फ्लोरो परोक्सी एसिड्स, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है, बताया ये है कि तुम्हें पता है फिर से वही पहुंच जाओगे, तो मतलब तुम्हें एट द एंड यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो देखो वो आपके से खेल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स डाल के
डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करके आपको परेशान कर रहा है। मेरा बस हमेशा मोटिव रहा है कि उस लेवल का आपको दूं जो आपको जेई एडवांस की नीड होती है, जिसको आप फुलफिल कर सको। ठीक है दोस्त, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने शुरुआत यहाँ से की थी, अंत भी यहीं कुछ ऐसा किया है ना। तो यार थोड़ा सा अपना लेवल को और स्ट्रॉन्ग करोगे और मज़ा आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोस्त आपको अच्छा लगा होगा। एक बार होमवर्क में ले लो प्लीज़ प्लीज़, कमेंट बॉक्स में इस पर रिप्लाई ज़रूर दे देना कि अगर मान लो सवाल उसने कुछ ऐसा दे दिया, 3 की जगह उसने 4 रिंग कर दी तुम्हारे सामने और कह दिया आओ खेलो मेरे साथ, एन एड्रेस ALCL3 लेके प्रोडक्ट को तुम ए बनाओ, और प्रोडक्ट को ए बनाने के साथ साथ तुम्हें और परेशान भी करने के लिए तुम्हें बोल देगा चल भैया H+ के साथ इसका बी बनाना, बी के साथ तुम्हें बोल देगा हीट कर देगा, आपसे बोलेगा प्रोडक्ट सी बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर देंगे और दिमाग लगा के देंगे। जल्दी नहीं मचाइएगा, नहीं तो जनता बर्बाद होने में देर नहीं करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करोगे, इस खासकर इस प्रोडक्ट सी का UPSC रिप्लाई में दोगे। चलो लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब इस लेवल में क्या है, कभी कभी वो नालायकीपन आपको ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे देगा, दो मोस के दे देगा और यहाँ पे तुम्हें CH2 CH2, यहाँ CL और यहाँ CL कर देगा और यहाँ डाल देगा NHCl3 और बोलेगा आ भैया चल मेरे साथ प्रोडक्ट बना। अब क्या है, क्या चाहता क्या है ज़िंदगी से? तो ज़िंदगी से असल में वो आपसे ये चाहता है दोस्त, पहला तुमसे ये चाहता है कि तुम इसको ऐसे लिख के दे दो उसको, CH2 वही नेगेटिव वही पॉजिटिव, इसका इंटरेक्शन तो CH2 CH2 Cl आ गया है ना। पहले तो आपने ही बनाया, लेकिन चूंकि यहाँ पे बंदे ने 2 मोल बेंजीन के दे रखे हैं इसलिए फिर से अब तुम इसको मान लो और इसका अटैक कराओ, बट आराम से, जल्दी नहीं, एकदम जल्दी नहीं, क्योंकि जब आप सोचोगे ना कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाएं और अटैक मार दें तो यार वो मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यार बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाओ, इनडायरेक्टली तुम यहाँ पहुँचो पहले, तो अब इसको इसमें चिपकाओ बेंजीन, और जब तुम इस पर बेंजीन चिपकाओगे तुम्हें एहसास हो जाएगा सवाल ने क्या बेहतरीन बात पूछी थी, मतलब इसका आंसर कुछ ये हो जाएगा, ये सवाल नहीं ये चोखा सवाल था, अलग लेवल की चीज़ थी भाई। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की खूबसूरती को पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक बनी हुई है यार। ठीक है, ऑर्गेनिक का मज़ा बहुत है, अपने आप में अलग चीज़ है ऑर्गेनिक, है ना। चलो लेवल को थोड़ा सा फिर और बढ़ाते हैं, जब इतना बढ़ाया है तो, जब सीख ही रहे हो, जब मेरा लेवल टच ही कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है मज़ा आ रहा है। चलो अगला इस टाइप के लेवल का क्वेश्चन आता है, ऐसा लगा सकते हो उसको आप कि आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं और एक सेल यहाँ ले लेते हैं, और ये आपसे एनहाइड्रस ALCl3 दे देगा और आपसे बोलेगा यार दोस्त प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, प्रोडक्ट की यील्ड के लिए सोचो, आपसे दिमाग लगवाएगा तो आपको प्रोडक्ट की यील्ड बनानी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना जरूर दोस्त, एक बार ट्राई जरूर करना फिर इसका आंसर देना। ठीक है, असल में ना यहाँ पे एक्सेस ऑफ ALCl3 पड़ा होता है, मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो 6 की ये थी, तो यहाँ पे ALCl3 जब आपने डाला होगा तो नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा। एक सेकेंड यार, इसको मैंने CL तो भूल ही गया है ना, यहाँ पे दोस्त पॉजिटिव आया होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को पहले तुम अटैक कराओ, पहले इतना करो कि ये पॉजिटिव चार्ज लो इस पॉजिटिव चार्ज को, लो दोस्त और तुम अटैक कराओ, पहले इतना इतना मेरे लिए मदद कर दो कि तुम इतना तुम कर लोगे।
आओ, जब तुम यहाँ तक कर लोगे तो कुछ दोस्त यहाँ पहुँचेंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक तुम पहुँच जाओगे, ठीक है। CH3, ये एक कार्बन, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ CL है और ये 6, हम यहाँ पे कुछ हैं, इस सिचुएशन पे आके अटके हुए हैं अभी, है बात समझ में आ रही है। नंबरिंग करना चाहे नंबरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक है, आपने दोस्त से अटैक कराया होगा, नो डाउट, ये 3, नो डाउट, ये 4 दोस्त, ये 5 दोस्त और ये मेरा 6। आगे की कहानी सोचनी है, अब यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ पे वो फिर से एनहाइड्रस AlCl3 दे के बैठा है। तो जब ये एनहाइड्रस AlCl3 दे के बैठा है दोस्त, तो आपसे फिर से कुछ ऐसे करवाना चाहेगा। वैलेंसी वैलेंसी मैं पूरी नहीं कर रहा, आई होप इतना तुम्हें केमिस्ट्री आ गई होगी कि तुम यहाँ पहुँच चले आओ। अब ये फिर से करवाएगा तुमसे, मतलब ये तुम समझ रहे हो बात को, कि तुमसे चाह रहा है कि तुम दोबारा रिंग बनाओ, तुम दोबारा इसके साथ इंट्रैक्शन खेलो, और जब तुम इसके साथ दोबारा इंट्रैक्शन खेलोगे ना, आहा, कुछ ऐसी कंडीशन तुम्हारे सामने आएगी। ये रिंग मान के चलो रिंग बन गए, ठीक है, कितना खूबसूरत सा प्रोडक्ट टाइप बना है ना। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ और करके अगले पेज पे कैसा रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो हाउ इट्स लुक लाइक, कैसा लग रहा है आपको एक प्रोडक्ट, देखो एकदम कुछ नहीं चेंज किया, नंबरिंग वही 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 चीज़ है, नंबरिंग दे देते हैं यार, ऐसा नाराजगी नहीं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक कावर में खा गया हूँ क्या, इसको यहाँ कर लो यार, ये आई एम सॉरी, ठीक है, एक कावन कम पड़ गया है, इसलिए बोलते हैं नंबरिंग करनी चाहिए, और मैं भी बच्चों की तरह परेशान होके, हाँ यहाँ तक ठीक था यार, एक सेकंड बस दोस्त देना, रफी कर देता हूँ यार, चलो सपोर्ट करना सपोर्ट करना। तीन, ये 4, ये 5 और ये 5 का इंट्रैक्शन, और यहाँ पे कहीं 6 है ना, तो 5 और 2 रिंग्स लगे हुए हैं, फिर से ये 1, ये 2, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, 5 रिंग से लगा है और ये 6, देख सकते हो 5 रिंग से लगा है और 2 रिंग से लगा है। अब बेहतरीन सवाल था, इसके बाद भी वो रुकेगा नहीं, कभी कभी क्या करता है यहाँ पे कुछ रिडक्शन करता है, जैसे आपको PD या PD के सामने H2 निकालने कहेगा, हीट कराएगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो जब आप ऐसे कभी करते हो ना, पैलेडियम के साथ कार्बन को हीट लेते हो, तो ये रिडक्शन हो जाता है और एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट फिर तुम्हारे सामने आ जाएगा कुछ ऐसा। इसे कहता क्या हुआ, इसे ये हुआ कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई, एरोमेटिसिटी इतनी तगड़ी मिल गई कि बात ही कुछ और है ना, एरोमेटिसिटी इतनी तगड़ी मिल गई कि बात ही कुछ और है। यील्ड देख रहे हो कितना प्यारा यील्ड आया इसका, है ना, है ना खूबसूरत सी चीज। तो जब आपके सामने ये दो होंगे तो आपको दो बार इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए इस सवाल को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ब्यूटीफुल सवाल कहा गया। इसको आप बोल सकते हो कि रिंग ओपनिंग देन रिंग क्लोजिंग, ठीक है, इसको हम लोग रिंग ओपनिंग देन रिंग क्लोजिंग बुलाते हैं, ठीक है, रिंग ओपन हुई और फिर रिंग क्लोज हुई, ठीक। चलिए तो आपने दिमाग लगाया इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए वो रिंग और भी बढ़ा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप इसको ट्राई करना चाहो, 3 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की रिंग, आपकी मर्जी है। ये कुछ ऐसे ले लिया इसने इस बार, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, एक्सेस में तुम्हारे सामने AlCl3 पड़ा है एनहाइड्रस वाला,
ये प्रोडक्ट ए बनाया हुआ है, इसको आप पैलेडियम और कार्बन के साथ हीट करा देना और ये प्रोडक्ट बी बनाया हुआ है। ट्राई करना इसके प्रोडक्ट की, सोचना कि क्या हमारा यील्ड आ रहा है, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस का तो देखो कोई अंत नहीं है दोस्त, बहुत सारे बतेर क्वेश्चन रखे रहते हैं। कहानी को आगे बढ़ाऊँ, ये सारी बातें हम लोग ने अभी बेंजीन के साथ की हैं और अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और बेंजीन के साथ लगे हुए ग्रुप्स की बातें करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे कहानी नॉर्मल से एकदम अलग हो जाएगी और इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड लेवल भी अच्छा होना चाहिए। कुछ अनएक्सेप्शनल चीज़ें बात करूँगा, मुझे पता है आप पढ़ के आए हो, बट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अपने आप में एक बहुत हाई लेवल की चीज़ है। देखो अभी तक हम प्योर बेंजीन का फ्रिडल काफ रिएक्शन करते थे, अभी अल्काइलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एसाइलेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बेंजीन पे लगे हुए किसी ग्रुप का अल्काइलेशन करूँगा, कोई बहुत नई चीज़ तो करूँगा नहीं। तो अगर मान लो मेरे सामने CH3 आ गया, टॉलिन का मुझे फ्रिडल काफ अल्काइलेशन करना है और मुझे प्रोडक्ट की यील्ड सोचनी है, वही सेम काम एनहाइड्रस AlCl3 और प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। तुम बिलीव नहीं करोगे दोस्त, इसके तीन प्रोडक्ट बनेंगे और ये पूरा पूरा चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, पूरी पूरी चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, तुम बिलीव नहीं करोगे मैं जो बताने जा रहा हूं, यहां पे तुम टेम्परेचर ले लो 0°C। इसका अमाउंट बन रहा है करीबन करीबन 54%, इसका अमाउंट करीबन करीबन बन रहा है 16%, और इसका अमाउंट बन रहा है 30%। सर ये आप क्या कर गए, कौन सा गेम खेल गए हमारे साथ, आप मुझे बता दो ऐसा कैसे जादू हो गया। तो धीरज रखिए, सब कुछ डिस्कस करते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है ना दोस्त कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव रखना है, अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म टेक प्लेस कर रही है। ये क्या है, ये टेम्परेचर कहाँ से आया, पहले आपके मन में सवाल आएगा सर ये टेम्परेचर कहाँ से आया, पहला सवाल। दूसरे मन में सवाल आएगा कि सर ये तो ऑर्थो को भाई साहब आप मेजर बनाने लग गए हो और ये दोनों माइनर बना रहे हो, मतलब सर हम तो पढ़ के आए हैं, हमने जितना भी पढ़ा है पीछे की मैकेनिज्म से हमने ये पढ़ा है कि यार मेजर तो हमारा पैरा होता है और यहाँ सर आप ऑर्थो मेजर बना रहे हो, ठीक है माना कि आपका मेटा यहाँ मेजर नहीं होगा और मेटा भी बन रहा है सर, जबकि सर आपको पता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हम तो ये पढ़ के आए थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो और पैरा ही बनता है और उसमें भी हम पैरा मेजर पढ़ के आए थे, सर आप ऑर्थो मेजर करा रहे हो और वो भी 54%, क्या बात। मैं नहीं करा रहा, ये बुक्स का खेल है भाई, मैं आपको भी सारी कहानी सुनाता हूँ, एक एक के बारे में डिस्कस करता हूँ, मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो बताने जा रहा हूँ। ये है 0°C पे, एक बार जरा इसी रिएक्शन को दोबारा कोच करो, बस इस बार टेम्परेचर का थोड़ा ख्याल रखना, टेम्परेचर कर देना 25°C। टेम्परेचर 25 कर दिया, प्रोडक्ट तुमने सोचा, एक ये प्रोडक्ट एक ये प्रोडक्ट और सर एक ये प्रोडक्ट, अब तुम बिलीव नहीं करोगे बिलीव नहीं करोगे इसका अमाउंट पता कितना है, 70%। किसका, मेटा का, हाँ मेटा का 70%, हाँ मेटा का 70%। तो सर पैरा का कितना, पैरा का बनता 27%, इसका लगभग 26.4 भी हो सकता है और 27.3 भी हो सकता है,
दिमाग में खुजली होने लग गई होगी कि भाई साहब बंदा 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो को मेजर बताता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे मेटा को मेजर बता रहा है। नहीं वाह, अलग ही बात है। और सर टेम्परेचर बढ़ा दो, तो आओ दोस्त टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। तो इसको ले जाते हैं करीबन करीबन 80-90 के करीब, लगभग लगभग। अब बताएं क्या होगा, अब बताएं क्या होगा, बस जो होगा वो हजम नहीं होगा। वो कुछ ये होगा, इसका बनेगा 90%। किसका किसका? मेटा का। हाँ मेटा का। इसका बनेगा भाई साहब करीबन करीबन 9%, और इसका बनेगा भाई साहब करीबन करीबन 1%। एक का बना 90, एक का बना 9, एक का बना, मतलब ऑर्थो को तो सबसे तुम साफ ही कर दिए और तुम मेटा को मेजर बनाते जा रहे हो। आप एक कंक्लूजन देख पा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं मेटा प्रोडक्ट मेरा मेजर बनता जा रहा है। 100 पे करूंगा तो पैरा वाला सारा का सारा साफ चला जाएगा, और तो गायब ही हो जाना सी अगर मैं 100 पे कर गया तो। 80 के बाद एक मार्च नाम के साइंटिस्ट थे, ये उनकी देन है, उन्होंने इसको स्टडी की थी। मैं इसको खुल के समझाता हूँ कि क्यों ऐसा उन्होंने क्या सोच के कहा होगा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटा प्रोडक्ट यील्ड के बन रहा है, जबकि आप तो ऑर्थो और पैरा पढ़ा के आए हो, आप जानते हो सर ये अल्काइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन से इफ़ेक्ट दिखाता है, आपने डोनेट कराया, माना सर, सर उसके बाद भी सर इसका प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा में पैरा माइनर हो जाता है, ऑर्थो को तो आप गायब ही कर देते हो और मेटा को मेजर बनाते हो, क्या है राज? देखो पहले तो अगर मैं बात करता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस पे, जो पीछे दो रिएक्शन मैंने 25 80 बढ़ाई हैं, ये हमारी TCP है, मतलब थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जबकि जो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाली है, ये आपकी KCP है, दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्या करें हम इसका बच्चों? आप लोगों को क्या करें हम इसका, हम बताते हैं इसका क्या करो। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये रोल इतना बड़ा है कि इसके प्रोडक्ट की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बदल जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कि पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर 25 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब जहाँ जहाँ पे थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट स्टेबल हुआ है, या यूँ कहूँ मेटा हमारा मेजर माना गया है। देखो ये बात तो मानते हो ना कि जो परसेंटेज यील्ड होती है वो अगर स्टेबल नहीं होगी तो कम बनेगी, और जिसकी स्टेबल होगी उसकी ज़्यादा बनेगी। क्या बोला? जिसकी परसेंटेज यील्ड कम बनती है इसका मतलब उसका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं रहा होगा। मतलब अगर मेरी मेटा की यील्ड ज़्यादा बन रही है, मतलब एज कंपेरिजन टू पैरा एंड ऑर्थो, मेटा की यील्ड ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि उसका जो मेटल का जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है या जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा के। बात बाउंस कर गई होगी, पता है, तो आओ देख लो। थोड़ी देर के लिए मान लो तुम्हारा पैरा पे प्रोडक्ट है कुछ, मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ बन गया दोस्त, मैं पैरा प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये पैरा प्रोडक्ट बन गया। तुम एक काम करो, इस प्रोडक्ट की यील्ड को चेक करने के लिए इसके स्टेबिलिटी को चेक कर लो। तुम्हें ये बात तो पता है कि मिथाइल ग्रुप के पास डोनेट करने के लिए नहीं होता है कुछ भी, है ना? ये डोनेट कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और यार हाइपर कॉन्जुगेशन तुम पढ़ पढ़ के थक गए होगे, और तुम हाइपर कॉन्जुगेशन में तुमने ऐसा देखा होगा कि यहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। दोस्त मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा अब यहाँ पे, बट मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ मैं बस वहाँ पे आ रहा हूँ। कुछ ऐसे रहा होगा, H प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ CH3 है दोस्त, और फाइनली जब हाइपर कॉन्जुगेट करके यहाँ पहुँचे होगे
तुम मुझे दिल से बताना, तुम मुझे दिल से बताना कि क्या नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे स्टेबल है। बहुत आराम से, क्या नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे स्टेबल है? भाई साहब ये पता होना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप आपका डोनेटिंग ग्रुप होता है। यार एक तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर से चिपका दो बगल में मिथाइल के साथ, काहे का स्टेबल है? लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। हाँ यही रीजन, यही रीजन। चूंकि ये लीस्ट स्टेबल है इसलिए बनने की जो यील्ड है वो अपने आप कम बन गई, तो इनडायरेक्टली पैरा का अमाउंट कम आया। यही चीज ऑर्थो में भी होगा, अगर ये चीज पैरा में हुई है तो नो डाउट दोस्त ऑर्थो में भी यही हुई होगी। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां, ठीक है? देख सकते हो तुम, देख सकते हो तुम कि ऑर्थो पे मिथाइल लगा हुआ है और ऑर्थो पे ही बंदे ने नेगेटिव लगा रखा है। स्टेबिलिटी दिख रही है तुम्हें? दिख रहा है? स्टेबल नहीं ना, नॉट स्टेबल। इसलिए इसलिए अब ये तो बेचारा दोनों तरफ से मरता है ना, एक तो स्ट्रेन की वजह से मरता है, ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ऑर्थो ऑर्थो पे है, स्ट्रेन पड़ जाएगा। एक तो इस वजह से ऑर्थो का अमाउंट कम हो गया और दूसरा इसका जो यील्ड बना वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्टेबल नहीं है, तो दोनों वजह से ऑर्थो तो एकदम कम हो जाता है। देख रहे हो 80 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो का अमाउंट आ रहा है मात्र 1%, 100 पे तो बनते नहीं है, सब खत्म हो जा रहा है। ये फिर भी पैरा वाला 9% बनता है, लेकिन मेटा वाला क्यों बन रहा है? तो अब तुम जान चुके होगे, अच्छी तरह समझ चुके होगे कि अगर मैं मेटा पे नेगेटिव चार्ज लगाता हूं और इसको हाइपर कॉन्जुगेट कराने की सोचता हूं ये नेगेटिव डबल बॉन्ड यहां आया, नेगेटिव चार्ज यहां आया, एच प्लस यहां है, ये 1 सेकेंड के लिए भी नेगेटिव चार्ज कभी भी किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से एटलीस्ट मेटा पोजीशन पे तो नहीं आएगा यार, देख सकते हो। तो ये कह सकते हो स्टेबल है एस कंपेरिजन, कंपेरिजन वर्ड है एस कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रीजन हमारा हाई टेम्परेचर पे मेटा यील्ड स्टेबल होती है, ठीक है? इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली हमेशा फाइनल यील्ड पे देखी जाती है, ये बहुत पहले हम बात कर चुके हैं यार, आपको मैं मान के चल रहा हूं इतना आपको पता भी होगा कि थर्मोडायनेमिकली हमेशा फाइनल यील्ड की स्टेबिलिटी देखता है, जबकि हम लोग काइनेटिकली हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं जो गहराई देना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? आइदर वो 25 हो आइदर वो 80 हो, दोनों के केस में आपको मेटा यील्ड स्टेबल दिख रही है, वो बात अलग है, परसेंटेज का खेल है। 25 पे अलग परसेंटेज पे है तो 80 पे अलग परसेंटेज पे है, उसमें कोई दोहराया नहीं, लेकिन है मेटा ही स्टेबल। और ये बात गांठ बांध लो, दिमाग में सेट कर लो कि जब कभी भी फ्रिडल का अल्काइलेशन आप मिथाइल का कराओगे तो मेटा यील्ड स्टेबल होगी। जब तक उसने मेंशन टेम्परेचर नहीं किया है तुम तो रूम मान के चलना, और अगर उसने 0 मेंशन किया तो ऑर्थो स्टेबल होगी। मतलब इनडायरेक्टली भाई साहब कभी भी पैरा स्टेबल नहीं होने वाली, कभी भी नहीं। मतलब पैरा तुम्हारा मेजर नहीं बनने वाला, स्टेबल ना बोल के बोलना चाहिए, मेजर मेजर नहीं बनने वाला, चाहे वो 0 हो और चाहे वो 25 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 100 हो, तुम्हें पैरा मेजर नहीं लिखना है इन केस ऑफ टॉलिन के साथ जब आप अल्काइलेशन करा रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल वंस, मैं बाकी की बात भी नहीं कर रहा, अभी मैं फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं बात भी फ्रिडल क्राफ्ट की कर रहा हूँ। मज़ा आया होगा, दिल को ठंडक पहुंच जाती है जब ये पढ़ ले लेते हो। दिमाग तो फिरता ही है, दिमाग तो फिरता ही है, लेकिन आपका दिमाग सीखता है कुछ, ठीक है? हाँ 0 पे ऐसा है कि भाई थोड़ा स्ट्रेन का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिकली प्रोडक्ट देखी जाती है, इसलिए हमारा ऑर्थो मेजर हो जाता है, ठीक है? और मैं यार ये अपनी मर्जी से कोई डाटा बोल नहीं सकता,
आप गोल्डन बिक उठाओ, आप क्लेडन उठाओ, आप जेरी मार्च उठाओ, तरह तरह की बुक्स हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसे बात लिखी हुई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो दोस्त मेरा समझाने का बस मोटिव था कि फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है, आप अगर किसी टॉलिन का कराओगे तो आपको जो ईल्ड आएगी वो मेटा ईल्ड, मेजर ईल्ड मानी जाएगी, ना कि ऑर्थोन पैरा मानी जाएगी। पूरे होल कंक्लूजन का, पूरे होल पिक्चर का ये सार निकला, ठीक है। उफ, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका एक ड्रॉबैक सुनो, ड्रॉबैक ऑफ फिडल क्राफ्ट। एफसी लिख रहा हूं यार, ठीक है। ड्रॉबैक दोस्त ये है कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज CUH हो गया, CHO हो गया, और भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है COOR हो गया, ये कभी भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं जाते हैं। इसका आंसर नो आता है, ठीक है। इवन एक स्पेशल और केस है, एनिलीन भी CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 में जो प्रोडक्ट की उम्मीद है वो प्रोडक्ट नहीं देता है। यहाँ पर जो देखो स्टेरिक फैक्टर रीजंस हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है कि यार ये यील्ड नहीं देगा। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है एनलीन के साथ? एनलीन वाले केस में धोखा होता है। क्या होता है? धोखा। धोखा काहे का? देखो समझना दोस्त, एनलीन मेरा एक लुइस बेस है, नो डाउट। और ना यहाँ पे जो तुम एनहाइड्रस AlCl3 चीक चीक के कैटलिस्ट डालते हो ना, ये पता है कैसा काम कर जाता है? ये लुइस एसिड काम कर जाता है भाई साहब। इस AlCl3 का काम था, सॉरी, ये जो RCl का ये जो Cl- है भाई साहब, इसके साथ इंटरेक्ट करे, पता चला कि ये अपने ही जुगाड़ में सेट हो गया, इसको देख भी नहीं किया। और जब R और Cl डिब्बे में पड़े रहेंगे ना, कितो भी तो आयोनाइज करा लो बेटा, कार्बोकैटायन फ्री नहीं होगा तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होने के लिए तुम्हारा फ्री होना जरूरी है कार्बोकैटायन का। यहाँ पे तो भाई साहब कहानी एकदम परे हो जा रही है दिमाग के। परे क्या हो जा रही है? कुछ नहीं, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर वाली रिएक्शन टेक प्लेस हो जा रही है, इतना ही हो रहा है दोस्त। ये दे रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये ले रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज। तो तुम्हारी उम्मीद से अलग प्रोडक्ट बना, जो तुमको जरूरत नहीं थी तुमने वो प्रोडक्ट बना के बैठ गए, सॉल्ट बन गया, ठीक है। ये सारी बातें अल्काइलेशन को लेके थी। इसका मतलब सर एसाइलेशन ही बताओगे, बट अब वैसे है यार, शुरू किए हैं तो शुरू खत्म करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन को लेके। क्या होती है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कैसे ये अल्काइलेशन से डिफरेंस दिखाती है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए इसमें अपन लोग बेंजीन लेते हैं, मोटा मोटा रोल दोनों का सेम होता है, बस यहाँ पे इस बार एल्कोनॉइल क्लोराइड हो जाता है, या अभी आगे मैं चल के पढ़ाऊंगा, इसमें आप एसिड एनहाइड्राइड भी डाल सकते हो, ठीक है, चाहिए आप यूज़ करते हो। यही काम एनहाइड्रस AlCl3 कराते हो। अब मैं दोबारा नहीं बता रहा कि एनहाइड्रस क्यों पड़ता है, ठीक है। और सीधे आपका जो ईल्ड आता है वो कुछ ऐसे आता है, प्लस बाय प्रोडक्ट, चूंकि अभी मैं बाय प्रोडक्ट एग्जैक्टली नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग मेंबर हैं, काम दोनों का एक ही है, प्रोडक्ट दोनों का एक ही बनाना है, बट फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमको ऐसे करना होता है। कैसे ये ऐसे हो गया, तो आओ थोड़े सा मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। मैकेनिज्म हमको क्या सिखाती है, क्या कहती है, तो आओ उसके बारे में देख लेते हैं।
जैसे ये है मान लो, यहाँ सी ओ है, आपने इसको एनहाइड्रस AlCl3 में डाला होगा। मैं सीरे मैकेनिज्म बताने वाला था ना यार, यहाँ पे RCOCl है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, AlCl3 डाला एनहाइड्रस फॉर्म में, तो तुम्हें RO पॉजिटिव फ्री फॉर्म में मिल गया, प्लस AlCl4 माइनस अलग होते हुए तुम्हें दिखाई दे गया। तुम तुरंत बोलोगे सर लो रेजोनेंस हो गया, अरे हो गई होगा यार, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये बहुत देर तक ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज पर रख लेगा? नहीं ना, नहीं ना, एट द एंड तो फिर से यही पहुंचोगे अटैक करने के लिए, है ना। तो बस बस अब तुम समझदार हो कि यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, तुम अच्छी तरह जानते हो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज ये खटक से आया, यूं अटैक हुआ, अटैक हुआ होगा तो ये रेजोनेंस चालू हुई होगी, अटैक हुआ होगा तो रेजोनेंस चालू हुई होगी। अब क्या रेजोनेंस भी करके दिखाऊं कि ये कर लोगे? लाओ यार फटाफट करके खत्म करते हैं इसको भी। ये हो गया, ओए हाय, है ना, कुछ तिकड़म पिकड़म अलग सा नहीं लग रहा है, कुछ मिस्टेक टाइप नहीं लग रही है। आह बहुत बहुत गंदी सी मिस्टेक हुई है, आर्टली सॉरी यार, छी 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 छी, इतनी गंदी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, है ना। देखो यार दिल से माफ़ी, तहे दिल से माफ़ी दोस्त, है ना, ये ऐसे होगा। वही हम सोचे कि ये पॉजिटिव चार्ज घुमाया करते थे बेचारा, ये नेगेटिव कहाँ घूम रहा है। बस लास्ट स्टेप में अपना डी प्रोटोनेशन, उसको बाहर निकालना है, इसको आप बाहर निकाल दो, आपकी यील्ड कुछ वही आ जाएगी, ग्राफ इसका लगभग जैसे एल्काइलेशन का बनाया था एसाइलेशन का भी सेम ग्राफ होगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है, ओके। मैं इसलिए ग्राफ दोबारा नहीं बना रहा, हाँ ये अलग है कि इसका लेवल थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, लेवल में जैसे यहाँ पे CH3Cl पड़ा था, एक एग्जाम्पल ले लो भाई, तुम्हारे सामने कल को लगे कि जैसे ये है एनहाइड्रस AlCl3 लिया, अब मैं दोस्त मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया होगा और ये भाई साहब ने अटैक मार दिया होगा, और इस प्रोडक्ट को अपन लोग एसिटो फिनोन बुलाते हैं और ये बन गया होगा। लेवल बढ़ाना है तो देखो इसको आप ऐसे ट्रीट करा सकते हो, हाय हाय या ठीक है, कहोगे तो वही टाइप है एनहाइड्रस AlCl3, दोस्त की मैकेनिज्म वही कहती है जिसकी उम्मीद है। बस तुम एक सेकंड रुकना, मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, आई एम सॉरी। हाँ चलो शाबाश शाबाश शाबाश, सेम 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 मैकेनिज्म की उम्मीद करते हैं कि भाई देखो बस थोड़ा सा पलटवार यहाँ पे ये होगा कि ये ना अपने ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉन में टक से एंट्री मार देगा,
अरे होगा ही होना है, मतलब एंट्री टाइप कुछ मिलेगी ना। तो दोस्त यहाँ पे चूंकि एक्सेप्टेंस है इसलिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डोनेशन है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ ऐसे। बट यार तुम्हें पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये यहाँ से सड़क से बाहर निकलेगा और तुम्हारे लिए एक फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन छोड़ दिया जाएगा। बाकी आगे हम देख लेंगे उसके प्रोडक्ट का क्या होना है, प्लस बीपी लिख दे रहा हूँ। तो बस ख़त्म, ये लिया आरसीओ प्लस लिया, आपने इसका अटैक कराया और कहानी कुछ यहाँ पहुँचा दी। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे एग्जांपल ले लो, एक तुम एग्जांपल ले लो यार, ऐसा क्या है दोस्त? एग्जांपल ना लिया तो क्या लिया? जैसे तुम्हारे सामने कुछ सवाल ऐसा छोड़ दिया जाए, यहाँ पे तुम्हें एनहाइड्रस AlCl3 दे दी जाए और तुमसे प्रोडक्ट की उम्मीद की जाए। अरे करने दो यार, तुम टैलेंटेड हो। और यूं मारा प्रोडक्ट, सर सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, प्लस एसिटिक एसिड बाहर में बाहर निकल जाता है, H+ प्रेजेंस में होता है ये। तो ये आपका फ्रिडल का एसाइलेशन था, थोड़ा सा बढ़ा दिया और इतू सा। देखो एक सामने क्वेश्चन रखा है मेरे मन में, धधक रहा है कि आपसे वो सवाल पूछूं। सवाल भाई तुम कहाँ है, ये है सवाल भाई, यहाँ ये सवाल अपना लाया है और बंदे ने AlCl3 डाल रखा है, बहुत बार डाल रखा है AlCl3, ठीक है, और हमसे प्रोडक्ट की उम्मीद की है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपको बता दूँ क्या क्या दे रखा है, पहले बता दूँ, एक पहले ये दे रखा है, इसके बाद इसने यहाँ पे H+ दिया है नंबर 2 पे, ठीक है, नंबर 3 पे इसने SOCl2 दिया। मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख ले रहा हूँ, फिर मिलके साथ कर लेंगे भाई, ठीक है, और कुछ बता दो, कुछ छूट गया हो तो। हाँ हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन डाल रखा है, जड़ा NH3 डाल रखा है, ये हम पीछे वाली मैकेनिज्म में करके बैठे हैं, और इसके बाद PDC और हीट कर रखा है। इतने काम करने के बाद आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, खेलो भाई भाई इनके साथ, ये तुम्हें खिलवाएंगे, तुम खेलोगे, मजबूर होगे इनके साथ खेलने के लिए। कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम आराम से करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो इन्होंने कहा है हम उसी को फॉलो करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। चलो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी सब चीज़ की। आप एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करना, ट्राई करने की, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो देखो यार, हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 था, मैं एस पर रूल मैं AlCl3 ले लेता हूँ, इसके ऑर्बिटल पे अटैक कराता हूँ, अटैक करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर दूंगा कि इसने इसको दिया होगा इसलिए नेगेटिव, इस पे आया होगा पॉजिटिव। बट यहाँ से क्या हुआ होगा, तुरंत ना ये बॉन्ड खुलने की सोचा होगा, और दोस्त तुम्हारा काम यहीं से आसान हो गया। जैसे ही तुम्हारे लिए बॉन्ड खुला तो तुम्हें फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन मिला, जिसकी तुम्हें तहे दिल से उम्मीद थी, है ना, यहाँ पे नेगेटिव रख रहे ना। बस अब इसका इस भाई साहब का चले अटैक करने हम, आओ ट्राई मार के आते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा ले लेते हैं, एक बार लिख लें क्या यार, इफ यू डोंट माइंड, ऐसा कुछ था दोस्त, इसका आपने यहां अटैक कराया और अटैक कराने के बाद तुम रेजोनेंस टाइप कुछ पूरा कर देना है दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम करोगे और हम यहां पहुंच जाएंगे।
Cl3 टाइप, कुछ यहां आके अटकेंगे दोस्त, नो डाउट। ओके, ये मेरा अभी तो पहला हिस्सा खत्म हुआ है। अब इसमें उसने H प्लस डाला है तो आओ डाल देते हैं दोस्त। जब आप इसमें H प्लस डालोगे तो सीधे सीधे हाँ कहीं कुछ यहाँ पहुँच जाएंगे। एक बार की मेहनत है, दोबारा हम आपको एक कंक्लूजन दिखा देंगे, इतना स्यापा करने की जरूरत ही नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद इसने SOCl2 डाल रखा है। तो अब ओप्स ओप्स सॉरा थोड़ा अपना पेज फिनिश हो गया दोस्त, एक सेकेंड होल्ड करना। यहां पे थे हम, ए हम यहां पे थे OH पे, यहां पे इसने SOCl2 डाला है। आई होप तुम्हें इसके बारे में पता होगा कि SOCl2 OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। हाय हाय, फिर तुमसे फिर से फिडल क्राफ्ट करवा रहा है, फिर से इसने AlCl3 डाला है। अब देखो यार, आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका अंदर खोल दोगे, कुछ यहाँ पहुँच जाओगे दोस्त। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुमसे इतनी। कुछ यहाँ पहुँच जाओगे ऐसी उम्मीद करूँ, रिंग बना लो चाहो तो बस, है ना, यहाँ पहुँच सकते हो। इसके बाद उसने क्या डाला है, उसके बाद इसने जिंक एमलगम डाला है HCl के साथ। यार ये कहीं देखी देखी रिएक्शन लग रही है क्या, ये कहीं आपको क्लेमेंसन रिडक्शन टाइप लग रही है? मैंने आपको पढ़ाया है यार, मेरी कुछ पीछे नेम रिएक्शन की वीडियोस में जाओगे तो वहाँ है दोस्त। यहाँ उसने ZN HCl के साथ डाल रखा है मेरे दोस्त, और ये गायब हो जाएगा। या अभी भी नहीं रुका है, इसके बाद इसने PDC और हीट कर दिया है। फाइनली वो यहां पहुंचा है। अब या यू कैन से दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नेप्थलीन, है ना, फ्रॉम बेंजीन से नेप्थलीन। कभी हमको जाना हो, कभी जरूरत पड़ जाए कन्वर्जन के टाइम, तो हम ये जा सकते हैं दोस्त। देख सकते हो बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन था यार, मतलब तुम कह सकते हो कि तुम्हारे सामने ये अगर आ जाए, ये सारे डाटा एक साथ मिल जाए तो बेंजीन एक और लग जाएगी, है ना, बट सारे डाटा होने चाहिए। ओके, मेरी बातों को गहराई से ले पा रहे हो? अगर थोड़ा सा और परेशान करूंगा तुम्हें, लास्ट ज्यादा नहीं। आजा भाई, को सवाल आजा। अब तुम ये डायरेक्ट बना सकते हो, सारी सेम पिक्चर यहाँ पे दे रखी है इसने, सारी एकदम सेम पिक्चर यहाँ दे रखी है। इस बंदे ने यहाँ पे पहले एनहाइड्रस AlCl3 डाला है, उसके बाद इसने H प्लस डाला है, फिर SOCl2 डाला है, फिर वही AlCl3 इसके बाद दबा के है ही है। फोर्थ नंबर पे इस बार इसने ZnHCl डाल दिया है HCl के साथ। पांच नंबर पे दोस्त इसने फिर से PDC और हीट कर दिया है। कहाँ है प्रोडक्ट, सोचो। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है यार, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। तो दोस्त कहीं नाम सुना हो इसका, यहां से हम डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं। सॉरी दोस्त, इतना सब कुछ करके अगर हम ये कर ले तो यार लेवल बन जाता है, एक सीखने को मिल रहा है आपको। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो एडवांस में आ सकते हैं यार, ठीक है। तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन की जो कहानी आपको नज़र आ रही है, ये कहानी अपने आप में बहुत तगड़ी कहानी है, ठीक है। एक सवाल और, बस एक लास्ट 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 लास,
जाते जाते मेरा मन नहीं मानता है ना कि आपको कुछ छोड़ के जाऊँ, जबकि समय हो गया है, फिर भी यहाँ पे इसने दिया है सिस्त्री सीओसीएल, यहाँ पे भी इसने दिया है सिस्त्री सीओसीएल। तो भाई तू चाह क्या रहा है, चाह ये रहा है, ये बोल रहा है कि यार इसको जो है ना, आय हाय छी, इसको जो है ना इसने 0 डिग्री सेल्सियस पे किया है, ठीक है, और इसको इसने 95 डिग्री सेल्सियस पे किया है, बोला प्रोडक्ट बनाओ, आय हाय बहुत बढ़िया। पता है ये तुम्हारा KCP है और दोस्त तुम्हारा ये TCP है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जो उधर देखा है। बस इसका आंसर कुछ दोस्त यूं आएगा, जब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होती है तो ये पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है, और जब थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट होती है तो ये पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है। ये याद कर पाओगे, समझ जाओगे मेरी बात को, ठीक है। तो ये था फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का पिटारा। शुरू एक पार्ट पहले से हुआ है, ये पार्ट टू है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों पार्ट अच्छा लगा होगा। अल्काइलेशन और एसाइलेशन का जितना नेम के नाम पे फेमस है, उसका काम भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, खासकर ये पार्ट 12 और पार्ट 13 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो बहुत सारी नेमरेशन दोस्त बची हैं, ठीक है। हमसे आप डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो, अभी आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो YouTube पर, लेकिन आप हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो। और डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आप हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, फटाफट से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पर आप इस ऐप को सर्च करो और डाउनलोड करो। जैसे इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट दोस्त है अपना डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे डेली, मतलब डेली मंडे टू संडे एवरी डे आप हमसे डेली लाइव कनेक्ट हो सकते हो। अभी आप मेरी वीडियो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, वहाँ पर आप मुझसे लाइव मिल सकते हो। लाइव के फ़ायदे ये है कि आप वहाँ पे जो भी बिंदास तुम्हें डाउट्स होंगे पूछ लोगे सामने सामने। वैसे मैंने सारे जवाब देने की कोशिश की है, इसके अलावा भी बच्चे हैं, हर तरह के बच्चों के अपने अपने डाउट्स होते हैं। इसके अलावा मैंने क्वेश्चंस आंसर्स की पोलिंग, बहुत अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे, हम लोग लाइव पोल खेलते हैं। लाइव पोल का जो एन्जॉयमेंट है ना यार, मतलब अलग लेवल की चीज़ है लाइव पोल, मज़ा आ जाता है। फटाफट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको अपने 30 सेकंड दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। टाइम मैनेजमेंट सीखोगे वहाँ से आप, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है लाइव पोल, ठीक है। इसके अलावा यार लाइव टेस्ट एंड क्विज, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने के साथ ज़रूरी है आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सको, आपकी परफॉर्मेंस का क्या हालचाल है, आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक भी 3-4 टाइप की होती हैं, है ना, उनमें से कौन सी टाइप की मिस्टेक आपसे हो रही है, जैसे सिली मिस्टेक है, मेंटल मिस्टेक है, पार्शली मिस्टेक है, अभी ये तरह तरह की मिस्टेक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी मिस्टेक्स को जानने के लिए, सीखने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को लेने के लिए कि आपको यार कौन कौन सी मिस्टेक आपसे होती है और कैसे बचना चाहिए उससे, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है मॉक टेस्ट देना, ठीक है। नेक्स्ट इज यार हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का जितना भी प्लान है, मतलब A to Z सारा प्लान, मैं सभी प्लान की बात कर रहा हूँ, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये मिलता है कि हम एक शेड्यूल के साथ रहते हैं, फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स बैच होता है बच्चे का, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, DPP टेस्ट होते हैं, DPP सॉल्विंग प्रॉब्लम होती है, ना जाने क्या क्या, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टाइम कोर्स को ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, एक वर्ड ये है, और दूसरा रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे काम आएंगे आपके साथ, क्योंकि आप रिवाइज करोगे सही समय पे, तो आपको सक्सेस, मतलब ओवरऑल जेई को निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस। मुझे लगता है कि ये मेरी ऐप की ब्यूटी है। ब्यूटी क्यों है भाई, ऐसा क्या है? तो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि इनकेस किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो, तो आपको इस
आपको रिकॉर्डेड देखने का भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन बचे एक टीचर का लेते हो, लेकिन आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो। मतलब अन अकेडमी में दोस्त एन नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं, आपको फिजिक्स 10 से पढ़ना है, केमिस्ट्री 20 से पढ़ना है, आपकी मर्ज़ी। आपका टीचर, आपका कोर्स, आपका सिलेक्शन, सब कुछ आपके हाथ में है, इवन आपकी टाइमिंग भी। तुम्हें लगता है नहीं सर 12 बजे पढ़ना है, 12 बजे पढ़ो यार, ऐसा क्या है, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत नई चीज़ अन अकेडमी ने लॉन्च की है, इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये बहुत यूनिक और बहुत एक डिफरेंट आइडिया है अन अकेडमी टीम का, एंड थैंक्स टू दिस टीम कि उन्होंने इस नए आइडिया को लॉन्च किया। क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहली खासियत ये है कि जितने हमारे प्लस कोर्स के बेनिफिट मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्त, इसमें कहीं नहीं जाना। इसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि पर्सनल कोच का होना कितनी बड़ी चीज़ है। इट्स समथिंग लाइक कहते हैं कि किसी की गाइडेंस अगर आपके हाथ से है, आपका हाथ है, तो समझ लीजिए नैया पार है वाला कंसेप्ट है। पर्सनल कोच का वही काम होता है, आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ होगा, इमोशनली मेंटली आपको सपोर्ट करेगा, आपको बताएगा कि कैसे आपको अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे आपको जेई निकालना चाहिए, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से, उस मिस्टेक से आपको रूबरू कराएगा। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके अलावा चूँकि टेस्ट का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपसे कहा ना कि टेस्ट आपने दिया है लेकिन बींग अ स्टूडेंट आप उसका एनालिसिस खुद नहीं कर पाते हो। आपको पता, आपको लगता है यार ये मैंने सही किया है या ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है उस सवाल को करने के और शॉर्टकट तरीके हों। हो सकता है जो सवाल को तुमने 5 मिनट लगाया हो वो मात्र 1 मिनट का सवाल हो, क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है जेई में, और उसके लिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए ना, कौन सा क्वेश्चन आपको टच करना है, एक क्वेश्चन को कितने मिनट में ख़त्म करना है, ये चीज़ आप खुद नहीं बता पाओगे उतना जितना आपको एक एनालिसिस करके बताएगा, इनडेप्थ कहते हैं जिसे, वो आपको मिलेगी। इससे आपका ना जो परफॉर्मेंस लेवल है ना यार, वो एकदम हाई लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ आर स्टडी प्लान। स्टडी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी है? बच्चे क्या करते हैं, कभी उनका ग्राफ देखना, कभी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, कभी तो पढ़ रहे हैं, कभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, कभी तो बहुत पढ़ लेंगे, कभी 4 दिन छुट्टी कर लेंगे, कॉन्स्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। सही ग्राफ पता है कैसे होना चाहिए? यस, इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसी ग्राफ को फॉलो करो दोस्त। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि तीनों सब्जेक्ट को रोज पढ़ो। नहीं तो अगर तुमने कहा कि सर एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा, तो सोचो उस सब्जेक्ट का दोबारा नंबर कब आएगा, चौथे दिन बाद। यार क्या वाकई तुम्हें वो चीज़ रिवाइज रह जाएगी? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्टडी का प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और वो आपको हमारे पर्सनल कोच कराएंगे, ठीक है। माय डियर, हमारे प्लस कोर्स को लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी होगी आपको, जो कि हमारी 12 मंथ की फ़ीस है 38,500। इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं। इस डिस्काउंट के बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। दोस्त, इस अमाउंट को आप अवेल कर सकते हो। अगर आपको एक साथ नहीं पे करना है तो आप हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। हाँ, और डिस्काउंट चाहिए अगर आपको, तो आपको मेरा ये कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड धीरेन है, DHIREN। इनडेप्थ नॉलेज देने के लिए आपको मुझसे मिलना होगा डायरेक्टली, और इस कोड को मिलके आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्त। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हैं दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 24 मंथ वाला प्लान लो, क्योंकि इसके जो अमाउंट है वो 56,000, और इसमें जो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा वो हो जाएगा 50,000। 50,000 में ऑलमोस्ट आपको जो है, इसको भी आप चाहो तो नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो दोस्त, और 10% डिस्काउंट के लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको EMI पे कैलकुलेट कर रहा हूँ दोस्त, तो आ रही है मात्र और मात्र 2100 रुपये। 2100 में दोस्त तीन सब्जेक्ट है, और इतनी सारी फैसिलिटी हैं। मतलब ये डिवाइड कर इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि आपको पर सब्जेक्ट की कॉस्ट बता सकूँ, और बता सकूँ कि आपकी गली कूचे की कोचिंग शायद इससे महंगी होगी, है ना। बहुत सस्ता प्लान, बहुत इकोनॉमिकल। हाँ, इसके अलावा यार 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ को क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों मैं मना कर रहा हूँ? तो देखो यार, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन खेल रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, PCM या PCB, ठीक है। आप इन सब्जेक्ट के चैप्टर का ज़रा सम करो, तो उठाओ किताब और सम करना शुरू करो। मेरा मानना है 90+ चैप्टर्स हैं तीनों का सम मिला के दोस्त। 90+ चैप्टर को उस डेप्थ से पढ़ना जो JEE को चाहिए, वो 3 महीने और 6 महीने में तो हवा तक नहीं लगेगी क्या हुआ है। इसलिए आपको समय देना चाहिए, हर चीज़ की एक कीमत होती है, उसका समय पे ही आपको रिज़ल्ट आएगा। जल्दी रिज़ल्ट चाहोगे तो नहीं निकलता है, ठीक है। इसलिए आपको टाइम देना चाहिए, और वो 12 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है कि आप 24 मंथ रहो, ठीक है। बाकी समझदार आपको दो दोस्त। हमारे आइकॉनिक प्लान को लेने के लिए आपको 12 मंथ का जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 56,000 है। इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे, सेम मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं यार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आइकॉनिक पे पर्सनल कोच मिलते हैं, स्टडी प्लानिंग को मिलती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको आइकॉनिक के अंदर मिलता है, ठीक है। वहीं 24 मंथ के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी जो अमाउंट है वो है 86,000। इसको भी आप 10% का डिस्काउंट दे सकते हो, और इस डिस्काउंट के बाद आपको जो अमाउंट आएगा वो आएगा 77,400। आप इसको आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो दोस्त, ठीक है। ये दोस्त कुछ क्लास की झलकियाँ हैं। मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे आपसे मिलता हूँ, आपसे कनेक्ट होता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ चला रहा हूँ। सीरीज़ के नाम पे PYQ सीरीज़, बूम बूम सीरीज़, रैपिड फायर सीरीज़, तरह तरह की सीरीज़ चल रही हैं, और हर सीरीज़ का अपना मतलब है, अपनी अंदर खासियत है। आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, एक बार ज़रा लाइव आके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि क्या चल रहा है। मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए ऐप को जब डाउनलोड करोगे तो मेरा नाम सर्च करना, वहाँ आप मुझे प्लीज़ फॉलो करना, आपको नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगा कि मेरी क्लास कब कब होने वाली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्त, इतना पेशेंस रखने के लिए, इतना पेशेंसली मुझे सुनने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, ठीक है। और ये मेरा कोड याद रखना। थैंक यू, टेक केयर।